तो भैया आपने एटीएम फ्रॉड सुना होगा, लॉटरी फ्रॉड सुना होगा, केवाईसी फ्रॉड सुना होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला फ्रॉड सुना होगा, आर्मी ट्रांसफर वाला फ्रॉड सुना होगा, मोबाइल टावर फ्रॉड सुना होगा, नौकरी से लेकर रेल फ्लाइट फ्लैट सब सुना होगा। लेकिन आज जिस फ्रॉड के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो एकदम नया नया है और पकौड़ी की तरह गर्मा गर्म भी। कहते हैं मूर्खों से ज्यादा आजकल इंटरनेट पर बैठे पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान है। यकीन ना आए तो इस शख्स को देख लीजिए। देखने में फिट, ब्रांडेड कपड़े, आईफोन के साथ फर्राटेदार इंग्लिश में बातचीत, 2 मिनट के लिए कोई भी झटका खा जाएगा। ये शख्स खुद का नाम राजवीर सिंह बताता है और काम रॉ एजेंट। लेकिन कहते हैं ना कि कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी ना कभी गलती कर ही देता है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए बताते हैं कि ये शख्स आखिर है कौन। इस लड़के का नाम है चंदन साव, दिल्ली से सटे गाजियाबाद का रहने वाला है और मूल निवासी बिहार के मोती थाना बनिया जिला छपरा का है। ये पूर्व आईटीबीपी का सिपाही रह चुका है। आईटीबीपी से इसे 2017 में बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद इसने ठगी का नया धंधा शुरू किया। इसने सबसे पहले अपने नाम से रॉ की एक आईडी बनवाई, जिम में अच्छी बॉडी बनाई और प्रोफेशनल फोटोग्राफर से कई फोटो खिंचवाए। यहीं से शुरू होता है ठगी का असली खेल। अब ये अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट पर जाता, लड़कियों को इम्प्रेस करता और खुद को रॉ का एजेंट बताता। कुछ दिनों बाद उनसे दिक्कत बताकर पैसे ऐंठता और फिर फरार हो जाता। इसने मैनपुरी की रहने वाली मानसी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाली मानसी को इसने जीवनसाथी.com पर अप्रोच किया, घर वालों से बात की और खुद को रॉ एजेंट बताकर उसके करीब पहुंच गया और एक एक करके उससे 5 लाख से ज्यादा पैसे ऐंठ लिए। कुछ समय बाद जब मानसी ने पैसे मांगे तो गाली गलौज पर उतर आया। फिर क्या था, मानसी ने पुलिस की मदद मांगी और बड़े आसानी से मुर्गी चोर जैसे फर्जी रॉ एजेंट पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब इनके गठिये के इलाज की तैयारी चल रही है। देखिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की है जो छपट्टी मोहल्ले कोतवाली की रहने वाली है, उसने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने जीवनसाथी.com पे एक प्रोफाइल बना के डाला था शादी के संबंध में, जिसमें एक राजवीर नामक लड़के का फोन आया था कि वो उसके घर वाले उसे पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। तो इस पर बातचीत शुरू हुई, फिर उसने इसके साथ धोखाधड़ी करना शुरू किया और कभी अपनी माँ की बीमारी के नाम पर, कभी अन्य कामों से संबंधित इससे 5 लाख रुपए ठग लिए, जिसपे हमारे साइबर सेल को ये प्रार्थना पत्र दिया गया, उस पर जाँच हुई और इसमें कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो हमारी जो साइबर सेल प्रभारी रूपेश और कोतवाली की टीम ने मिल करके एक चंदन शाह, जो मूल रूप से छपरा का रहने वाला है बिहार का और ये वर्तमान में गाजियाबाद में वसुंधरा में रह रहा था, इसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये फर्जी राफसर जो बन के काम करता था उसकी एक आईडी भी बरामद हुई है, फर्जी आधार कार्ड जो राजवीर नाम से ये ठगी करता था वो मिला हुआ है, इसके कब्जे से गाड़ी जो जिससे वो करता था आईफोन भी मिला है और इसमें जो पैसा इसमें अकाउंट में डलवाया हुआ था वो पैसा भी इसका 1,14,000 फ्रीज कराया गया है और कुछ 43,000 रुपये नगद इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। तो एक बड़ी सफलता है और इसमें ये भी पूछताछ से पता चला है कि इसने 4 अन्य लड़कियों के साथ इसी तरह ठगी की है। तो ये एक विशेष प्रकार का क्राइम करता था और फर्जी राफसर बन करके इस तरह की लड़कियों को ठगी करके इनसे पैसा ऐंठता था। तो इसको आज गिरफ्तार किया गया है, इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है, इसको जेल में भेजा। सर, ये मैरिड नहीं, ये शादीशुदा है और इसके बारे में इसका पूरा परिवार है, लेकिन इसके बाद भी ये कई लड़कियों को इसी तरह फंसाता था बातचीत करके और उसे पैसा ऐंठता था। बताया सर, पुलिस विभाग के बारे में जानकारी की गई है तो ये पता चला कि ये आईटीबीपी का बर्खास्त सिपाही भी है। तो बाकी चीजें इसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।